अंदर हम कैसे हमारे जो सॉफ्टवेयर है उनको ऑटो अपडेट कर सकते हैं, मतलब आपके फ़ोन में कोई भी सॉफ्टवेयर आएगा तो आपका ऑटोमेटिकली अपडेट कैसे हो जाएगा। तो गाइज़ उस बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर गाइज़ आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि गाइज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइज़ हम सबसे पहले सेटिंग के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे गाइज़ हम सेटिंग के अंदर आ चुके हैं और सेटिंग के अंदर आने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपको सामने काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गाइज़ इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट हम गाइज़ जाने वाले हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से थोड़ा नीचे, और नीचे आप जाएंगे तो गाइज़ यहाँ पे आपको सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा। तो सिस्टम पर हम क्लिक करते हैं। सिस्टम पर क्लिक करने के बाद गाइज़ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइज़ आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने देखने को मिलेगा ऑनलाइन अपडेट और लोकल अपडेट। तो गाइज़ ऑनलाइन अपडेट ये गाइज़ आपके फोन में कोई भी अपडेट आएगा तो यहाँ से ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं, और लोकल अपडेट पर क्लिक कर लेंगे तो गाइज़ आपका जो भी लोकल अपडेट आएगा उस पर जाकर उसको मतलब मैनुअली जाकर अपडेट करेंगे। बट ऑनलाइन अपडेट आपका हमेशा आता है, तो ऑनलाइन अपडेट पर जाएंगे आप यहाँ से, और आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा तो यहाँ पर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर अगर अवेलेबल होगा डाउनलोड होने के लिए तो हो जाएगा। तो ऐसे गाइज़ अपने फोन के अंदर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो हमें वीडियो कर देंगे लाइक और चैनल कर लेंगे सब्सक्राइब। तो गाइज़ हम मिलेंगे आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय एंड टेक केयर।